हेलो एवरीवन, ये मेरा पहला रोस्ट वीडियो है तो उतना अच्छा नहीं बनेगा, बट स्टिल आई रिक्वेस्ट यू ऑल कि देख लेना। हाँ पता है तुम लोग मुझे नहीं जानते हो एंड मैं भी तुम लोग को नहीं जानता हूँ, इसलिए अभी अपने रिश्ते को ऐसे ही रखते हैं और बकचोदियों के साथ आगे बढ़ते हैं। तो आज हम लोग उस बकचोद बाबा की बात करने जा रहे हैं जिसने साउथ इंडियन के रजनीकांत को डायरेक्ट चैलेंज दिया है, मतलब मुंह पे, सीधे मुंह पे चैलेंज दिया है। संत गुरमीत राम रहीम सिंह जी इंसान क्या नहीं जानते इनको? अरे ये आले बाबा, ये देखो ये आले। वैसे दोस्तों 2017 स्टार्ट हो चुका है और बाबा भी अपनी नई बकचोदियों के साथ वापस आ चुके हैं। इस बार बाबा इंसानियत पे रहम खाते हुए एक नए अवतार के साथ वापस आ रहे हैं। इस अवतार का नाम है MSG 2.0। तो मैं सीक्वेंस से बताता हूँ बाबा ने इस बार MSG 2.0 में क्या क्या अपग्रेड किया है। पहला, दाढ़ी मूछ। खबरदार खबरदार, जो मेरी मूछ कॉपी की तो वरना कॉपीराइट इंफ्रिंजमेंट का केस कर दूंगा। कैसे कैसे बहनचोद कैसे? सच में यार, कोई अपनी दाढ़ी की चोटी कैसे बना सकता है यार? बहनचोद, हमारे सर की ब्रेड नहीं होती है, ये साला दाढ़ी किसे ब्रेड कर रखा है? दिमाग सही है साला, क्या खाया है इसने? मेरे को तो लगता है इसको जादू चोत के गया है तभी ये ऐसी हरकत कर सकता है। अब दोस्तों बात करते हैं MSG 2.0 की। इसमें बाबा जी ने अपनी मूछों पे बिजली का नंगा तार छुआ छुआ के अपनी गोल मूछें स्ट्रेट कर ली हैं, जिसकी वजह से अब बाबा डायरेक्ट जादू से बातें भी कर सकते हैं। दूसरा, कॉस्ट्यूम। दोस्तों अगर तुम लोगों को कभी लगता है कि बचपन में तुम्हारी मम्मी ने तुम लोगों को अजीब अजीब कपड़े पहना के जोकर बना के भेजा है तो एक बार इस पे नजर डालो। कोई कहता है फरिश्ता? घंटा, कोई इसको नहीं कहता है फरिश्ता। आदमी का दिमाग खराब नहीं, आदमी गांजा फूकने के बाद भी इसको फरिश्ता ना कहे। यार क्या हो गया दुनिया को, सारे दानव जैसे दिखने वाले आदमी छाती में बाल लेके अपने आप को फरिश्ता घोषित कर रहे हैं। परिया क्या कान मराने गई है? कोई कहता है गुरु तो कोई कहता है भगवान, लेकिन हम तो हैं सिर्फ एक इंसान। खंडन सदगुरु तेरा ही आसरा। नॉर्मली बाबा लोगों का ड्रेस कोड क्या होता है? एक लंगोट या एक पर्दे जैसी लंबी चादर जो लोग शरीर में डाल के घूमते हैं। लेकिन बाबा इंसान रहीम एक्स्ट्रा ऑर्डनरी हैं। ही डजेंट वॉन्ट टू बी इन द मेन स्ट्रीम, तो वो अपने कपड़े खुद ही डिज़ाइन करते हैं और खुद ही पहनते हैं। और बाबा के कपड़े उनके अलावा और कोई नहीं पहन सकता। एक बार राखी सावंत ने ट्राई किया था, आज उस लड़की की ज़िंदगी तबाह हो चुकी है, उसका IQ 20 से भी कम बचा है। वैसे ये सब तो पुरानी बात थी, लेकिन इस साल बाबा ने सच में इम्प्रूवमेंट किया है। बाबा इस बार सीधे अपनी जादुई पोशाक से जीन्स और टी शर्ट में आ गए हैं। भले ही बाबा ने इस बार बेडशीट को काट कर या डाइनिंग टेबल की मैट को काट कर अपनी नाइट सूट ईजाद किया हो, लेकिन ये उस जादुई पोशाक से अच्छा है जिसमें बाबा का कहर दिखता था। खैर उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे, फिलहाल अगली कैटेगरी पे आगे बढ़ते हैं। गैजेट्स एंड ऑटोमोबाइल्स। सब कुछ सही चल रहा था। पापा इंसान रहीम डेली अपनी बाइक पे अपना स्वैग दिखाने के लिए निकला करते थे और अपने हेलीकॉप्टर में बैठकर हवा से बातें करते थे। लेकिन एक दिन बाबा ने गलती से ससुराल सिमर का की जगह जेम्स बॉन्ड की मूवी देख ली। फिर क्या था, बाबा बोले नहीं ना, इतने से काम नहीं चलेगा। फिर क्या था, बाबा अपनी लैब में घुसे और ये तैयार हुआ। तूफान किसी वक्त का मोहताज नहीं होता, उनका तो जब मन किए आए और तबाही मचाकर चले गए।
अगर तुम्हें लगता है कि बाबा इतने से सेटिस्फाई होने वाले थे तो बिल्कुल गलत सोचा है तुमने। बाबा 2017 में नए अपग्रेड के साथ वापस आए हैं। वाह वाह, क्या टेक्नोलॉजी बनाई है, क्या हेलीकॉप्टर बनाया है। और कसम से जब बाबा ने PS3 के रिमोट में बटन दबाया और बॉम्ब फटा, मेरे पैर के नीचे ज़मीन खिसकी नहीं बल्कि फट के कुआं हो गई, जिसपे मन कर रहा था कूद के अपनी जान दे दूं। ना धर्म से, ना जात से, ना धर्म से, ना जात से। बस अब यही रह गया था, खेतों में बाइक उड़ाना ही रह गया था बहनचोद, वो भी पूरा कर दिया। अब आगे कैसे, मेरा मन नहीं कर रहा अब आगे बढ़ने का, मैं नहीं जी पाऊंगा। मैं भी इंसान हूँ यार, इतनी बकचोदी नहीं झेल सकता। मैं भरता भी बहुत अच्छा बनाता हूँ, अब वो मैं पाकिस्तान में जाकर बनाऊंगा। ढूंढो बेटा ढूंढो, शेर अभी शांत है, कर लो पार्टियां। Cheers with soft drink। जब शेर एक्शन पे आ गया तो इतने जनाजे उठेंगे पार्टियां नहीं कर पाओगे। जंग है मेरी आतंकवाद से, जंग है हमारी आतंक। हाँ बिल्कुल ऐसे ही, बिल्कुल ऐसे ही बाबा गाड़ियों को ओवरटेक करते हैं जब निर्मल बाबा का काफिला समागम के लिए जा रहा होता है, और फिर अपनी हाईटेक गाड़ी को उनके सामने रोक के अपनी शक्तिमान वाली घड़ी से लेजर मार के सड़क में गड्ढा कर देते हैं। खैर ये सब बात तो हो गई बाबा के नए रूप के बारे में, लेकिन बाबा की चुतिया आपको इग्नोर नहीं कर सकते, इसलिए इसे भी एक बार देख ही लेते हैं। तू हसन है या शेर हिंद, तुझे तो मैं अपने वश में करके ही छोड़ूंगी। क्यों नागिन है तू, वश में करके छोड़ेगी, जादुई शक्तियां हैं तेरे पास। बहनचोद इसी वजह से ऐसी चीजें देखने और सुनने के बाद लड़कों का लड़कियों से विश्वास उठ जाता है और फिर वो शादी नहीं करते। शक्ल देखो इसकी, ऐसा लग रहा है दीवार में खड़े होके मूत रहा हो। और सच बता रहा हूँ, अगर मैं कोई लड़की हूँ ना और ये आदमी मुझे ऐसी हवस भरी नजरों से देखे तो मैं महिला हेल्पलाइन नंबर बाद में लगाऊंगी, पहले वहां से 1 किलोमीटर दूर भागूंगी। वाह क्या खूबसूरती है बाबा की, क्या स्वैग है, क्या बॉडी है, और तो और कसम से जब बाबा ने पुशअप मारे ना, क्या पुशअप किया है भाई, कसम से मजा आ गया देख के। मतलब बाबा की एक एक बाइसेप और ट्राइसेप ऐसी दिख रहा है इतना कसम से। लड़कियों का तो पता नहीं मुझे, लेकिन जिम ट्रेनर ने सड़क पे जाते हुए ट्रक पे अपना सिर दे दिया होगा। कमाल कर दिया बाबा, कमाल कर दिया, कसम से कितने कूल लग रहे हैं यार, कितना ज्यादा स्वैग है, मतलब इतना स्वैग कि ढिंचक पूजा आपको अपनी टोपी देके जाएगी। अच्छा यार एक बात नहीं समझ में आई, बाबा बर्फ फाड़ के पहाड़ से निकल आते हैं, कोई हमें संग मुक्का मार के लकड़ी तोड़ देते हैं, ढोलक उठा के जिम करते हैं, ढोल बाजे दानवों के साथ दंगल तो रोज का है बाबा का। लेजर भी असर नहीं करती कुछ, तो कांपते हुए गिद्दड़ गिरते हैं, हाथियों को उठा के फेंक देते हैं। चट्टान तोड़ना तो बाबा के लिए बच्चों का काम है, के लिए हमारी पूरी जिंदगी भी है। फिर भी इस आदमी को Z+ सिक्योरिटी मिली है भाई, क्यों? कोई नहीं मारना चाहता है यार, किसी के पास इतना खाली टाइम नहीं है भाई। बाबा के डायलॉग भी कसम से बहुत भयंकर है, सच में
सुन के कान से खून निकल आता है। शेर दहाड़ते हैं तो कांपते हुए गिद्दड़ गिरते हैं, हम तो वो हैं जो शेरों के मुंह में हाथ डाल के उनके दांत गिनते हैं। यही तो है गट्स। बस इसी से तो पता चलता है कि आदमी कितना डेयरिंग है। नहीं, तुम सब लोगों को क्या लगता है वकार सकर अपने शो में शेरनी के मुंह में हाथ डालने को क्यों कहता है? शेरनी के मुंह में हाथ डाल, मुंह में हाथ डालो, शेरनी के मुंह में हाथ डालना है। क्योंकि यही तो बताता है कि तुम कितने काबिल हो। अगर कल तुम लड़की के बाप से उसका हाथ मांगने जाओगे ना और बोलोगे ना कि अंकल मैं आपकी बेटी से बहुत प्यार करता हूँ, मेरे पास गाड़ी, पैसा, मोटरसाइकिल, नौकरी, ऑडी, BMW, हेलीकॉप्टर सब कुछ है, क्या तुम शेर के मुंह में हाथ डालते हो? अंकल आप भी क्या मजाक कर रहे हो, शेर के मुंह में कोई हाथ कैसे डाल सकता है। बाहर निकालो इस चूतियों को। इसके बाद भाई लड़की का बाप जो धक्के मार के बाहर निकालेगा ना और जो बेइज्जती करेगा वो सब तुम लोग समझ ही सकते हो। चलो दोस्तों, इस वीडियो के लिए इतनी बकचोदी काफ़ी है। अगली बार फिर से मिलेंगे और मैं बाबा के ऊपर एक फ़नी वीडियो और बनाने वाला हूँ जो बेसिकली एक म्यूज़िक वीडियो होगा। उस वीडियो का जो लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, आप लोग देख लेना। एंड प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब अगर आपको ज़रा सा भी एंटरटेनिंग लगा हो ये वीडियो।